क्या है? कोई पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो आपके पास में? एक ही टर्म हो। कितनी टर्म हो आपके पास में? एक सिंगल टर्म हो हमारे पास में, उसे कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। जैसे 9x स्क्वायर, ये क्या है? मोनोमियल। और डिग्री वाइज कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। डिग्री वाइज कौन सा है? क्वाड्रेटिक। x कौन सा? ये क्या है? मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है। डिग्री वाइज लीनियर। डिग्री वाइज आपके पास में क्या है? लीनियर है आपके पास में। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? इसमें दो टर्म होते हैं। क्या होता है? इसमें दो टर्म है आपके पास में, तो उसे कहते हैं हम बाइनोमियल। ठीक है, दो टर्म है तो क्या कहेंगे? बाइनोमियल आपके पास में, कि हमारे पास में दो टर्म है तो वो है बाइनोमियल। जैसे 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 7x, दो टर्म है क्या है? तो क्या है? बाइनोमियल। वैसे ही डिग्री वाइज कौन सा पहले वाला? लीनियर, क्योंकि डिग्री वाला है। ये वाला 3x स्क्वायर प्लस 7x क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री क्या है आपके पास में? 2 है। डिग्री क्या है आपके पास में? 2 है। समझ में आ गई बात। फिर आता है आपके पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तीन टर्म्स, ट्राइनोमियल तीन टर्म्स हमारे पास में, जिसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है? तीन टर्म्स है। जैसे अंडर रूट 3x प्लस x टू दी पावर 5 प्लस 7, कितनी टर्म है? तीन टर्म है। कितनी टर्म है? तीन टर्म है। और डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है इसमें? जो से बेटा है, हाँ 5 है। तो डिग्री क्या है आपके पास में? 5 है। तो 5 या 5 से ज्यादा को सिंपल पॉलिनोमियल कहते हैं, तो हम इसको सिंपल पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात। फिर आते हैं आपके पास में 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, जीरो डिग्री में क्या आएगा आपके पास में? जिसमें डिग्री जीरो। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड नोटेशन बोले तो स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाती है ए एक्स नॉट। क्या होती है? ए एक्स नॉट। पर अब मुझे बताओ, एक बार एक्सपोनेंट्स में किया था आप लोगों ने, ए एक्स नॉट का मतलब, एक्स की पावर अगर जीरो हो तो उसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वन हो जाती है उसकी वैल्यू हमारे पास में, है कि नहीं? तो इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट आपके पास नंबर्स आएंगे, जितने भी आपके पास कांस्टेंट नंबर्स आएंगे, क्यों? ए एक्स नॉट मतलब क्या है? ए इंटू वन, तो आंसर क्या आएगा? ए। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स है वो सब क्या है? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। क्या है? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे देखो, मैंने लिखा 7, अब 7 का क्या होगा? 7 इंटू 1, और 1 क्या होता है? x की पावर 0, हो गई ना डिग्री 0। तो जितने भी कॉन्स्टेंट नंबर्स वाले पॉलिनोमियल आएंगे वो सबके सब क्या आएंगे? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। क्या आएंगे? ठीक है, अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें थोड़ा सा फर्क है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? कोफिशिएंट्स आर जीरो, जिसमें सारे कोफिशिएंट्स क्या हो? जीरो हो आपके पास में। मतलब जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लिया, तो ए बी सी तीनों जीरो, ये क्या हो? जीरो हो हमारे पास में। तो हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं बता सकते हैं। क्यों? ऐसा आपके पास में क्यूबिक में भी हो सकता है कि हाईएस्ट डिग्री 3 है, पर क्योंकि कोफिशिएंट 0 है तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा आपके पास, है कि नहीं? तो इनकी डिग्री नहीं बताई जा सकती। डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। क्या हो सकता है? ये एमसीक्यू में आ सकता है आपके पास में कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो आपको ऑप्शन दिया हो सकता है 3, 4, 5, या फिर ऑप्शन 4 हो जाएगा आपके पास में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप किसको गिव करेंगे?
कैन नॉट बी डिटरमाइंड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ गए ना बात, याद रखनी है बात, ये छोटी छोटी बातों पे असम्पशन वगैरह बहुत बनते हैं, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले हम कर लेते हैं पॉलीनोमियल की सारी आइडेंटिटीज को एक साथ नहीं कराऊंगी, फिर तुम लोगों को हो जाता है हाय कितनी आइडेंटिटीज हैं, तो सारी आइडेंटिटी एक साथ नहीं कराऊंगी, अभी भी स्कॉलर्स चल रहे, मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज एक साथ अभी करा रही हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी आपने पढ़ी है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा इसी के साथ में आपके पास होता है कि आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, प्लस 2ab को इधर ले आते हो, आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी वैल्यू निकालनी थी तो प्लस 2ab को उठा के इस तरफ ले आए, तो जब प्लस 2ab इधर आएगा तो क्या होगा, ठीक है नहीं, ऐसे अगर आपके पास है दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, होता क्या जल्दी बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, अब अगर मुझे यहां से निकालनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस 2ab को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस किस में चिपक जाएगा, प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये चीज ध्यान रख लो, क्या होगा कभी आपको a प्लस b दिया हुआ है और कहता है a माइनस a स्क्वायर माइनस सॉरी a प्लस b होल स्क्वायर दिया हुआ है कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला वैल्यू निकालो, तो ये फॉर्मूला लगेगा, पर अगर आपको a माइनस बी दे रखा है और फिर कहता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत सारी आइडेंटिटीज है, सारी नहीं कराऊंगी, सिर्फ पांच करा रही हूँ ताकि पांच तुम्हें याद रहे, बेटा टोटल तो बहुत आई है 27 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, तभी तो निकालना सिखा रही हो कि तुम्हें याद ना हो तो तुम निकालना सीख सको, निकाल के कर सको, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गई आपके पास में, समझ में आ गई बात, आया ना। चलिए सबसे पहले टाइप का आपके पास में जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रही हूँ, पहले यहाँ तक देखो कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट, नहीं है कोई डाउट, ठीक है। चलो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आपको देते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में दे दूंगी, आपको बताना है विच ऑफ दिस इज पॉलीनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलीनोमियल है, मैं लिख रही हूँ आप मुझे बताएंगे क्या ये पॉलीनोमियल है और अगर है तो क्यों है, 2x टू द पावर हाफ 3x प्लस 4, सेकेंड है आपके पास में 8x क्यूब प्लस 7 प्लस x, चलिए बताइए क्या फर्स्ट एक्सप्रेशन एक पॉलीनोमियल है, मैंने आपको अभी बताया पॉलीनोमियल क्या होते हैं, नहीं है क्यों, पॉलीनोमियल में दो चीजें आपको चेक करनी है, क्या दो चीजें चेक करनी है, पहली चीज चेक करेंगे सिंगल वेरिएबल है, दूसरा पावर जो है पॉजिटिव होल नंबर है, पावर क्या है पॉजिटिव होल नंबर है, तो अगर आप देखो इसमें वेरिएबल तो एक है पर पावर क्या x की पावर हाफ, क्या हाफ एक होल नंबर है, नहीं है हमारे पास में हाफ एक होल नंबर नहीं है ना हमारे पास में, तो इसलिए ये एक पॉलीनोमियल नहीं है, आई बात समझ में, सेकेंड वाले में देखो क्या ये एक पॉलीनोमियल है,
क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्यों है? वेरिएबल सेम है, ठीक है। दो कंडीशन बताई, पहली कंडीशन है कि वेरिएबल सेम है, दूसरी कितनी है? वेरी गुड। तो सेकेंड वाला आपके पास में क्या है? सेकेंड वाला आपके पास में पॉलिनोमियल है। क्यों? क्या देखना होता है कि सिंगल वेरिएबल है, तो हाँ जी सिंगल वेरिएबल है। और पावर क्या है? पावर पॉजिटिव होल नंबर है हमारे पास में, क्योंकि पावर पॉजिटिव होल नंबर है इसलिए वो क्या है आपके पास में? एक पॉलिनोमियल है। क्या है आपके पास में? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, भाई टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि क्या है। टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन बताए आपको? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो आप मुझे बताएंगे क्या है ये? मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? चलिए सबसे पहले पहला वाला बताएं। पहले वाला आपके पास मोनोमियल है। मोनोमियल में कितनी टर्म होती है? एक टर्म होती है हमारे पास। मोनोमियल में कितनी टर्म होती है? एक टर्म होती है हमारे पास, क्योंकि पहले में एक ही टर्म है इसलिए वो क्या है? मोनोमियल है। क्या है वो? मोनोमियल है, ठीक है। सेकेंड वाला बताओ। वेरी गुड, बाइनोमियल। क्योंकि कितनी टर्म है आपके पास में? दो टर्म है यार, उसको भी बताना है। तो बताओ, वो बोला जा रहा है उसके हाँ में हाँ में बोल बच्ची जल्दी से। कितनी टर्म है? वेरी गुड, ट्राइनोमियल है। कितनी टर्म है? टर्म बताओ, टर्म कितनी है? तीन टर्म है आपके पास में। तो ये क्या है आपके पास में? ट्राइनोमियल। क्या है आपके पास में? ट्राइनोमियल। ऐसे ये बताओ, ये क्या है? आप ही बताओ, वो नहीं बताएगा, आप बताओ। x माइनस x स्क्वायर। जल्दी बताइए क्या लगेगा। मोनोमियल में कितनी टर्म होती है? इसमें कितनी टर्म है? दो। तो दो टर्म वाला क्या होगा? दो टर्म वाला क्या हो गया? बताओ बेटा, दो टर्म वाला क्या होगा? सुदीप क्या होगा? बाइनोमियल। क्या होगा? कहाँ ध्यान का है? ये क्या आपके पास में? बाइनोमियल। ये क्या आपके पास में? बाइनोमियल। समझ में आई बात? पक्का? अगेन क्लासिफाई करेंगे, अरे यही बताएंगे पॉलिनोमियल और नॉट, पॉलिनोमियल और नॉट। ये पॉलिनोमियल है या नहीं? एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई की पावर माइनस टू प्लस एक्स वाई अपॉन टेन माइनस वन बाई सेवन माइनस रूट टू वाई स्क्वायर ऑन वाई टू दी पावर माइनस वन।
y cube upon 3 plus 14x minus 4 upon x की पावर माइनस 5xy प्लस xy। बताइए क्या ये दोनों पॉलीनोमियल है या नहीं, फटाफट बताओ। बताओ पहले वाला आप बताओ, तो भी बताओ पहले वाले का तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, पहले टर्म की पावर 3 है फिर उसके बाद 2 है। पहले वाला क्या है आपके पास में, क्यूबिक पॉलीनोमियल है, क्या है आपके पास में क्यूबिक। बेटा पॉलीनोमियल के लिए दो कंडीशन बताई थी, पहली कंडीशन हाँ तो ये y को ऊपर ले जाओगे y की पावर 2 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। मतलब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे पावर सारी पॉजिटिव हो रही है तो ये पॉलीनोमियल है, ठीक है। अगला बताओ, बताओ जल्दी बताओ क्या सिंप्लीफाई करो कॉपी में। क्योंकि ये 14x की पावर जो माइनस 4 है इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइड में जब सेम एक्सप्रेशन होता है पावर्स माइनस होती है माइनस 4 माइनस 2 तो पावर क्या आ जाएगी माइनस 6। पर पॉलीनोमियल की पावर क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होल नंबर, पॉलीनोमियल की पावर क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होल नंबर, समझ में आ रही है बात। इस कारण से ये एक पॉलीनोमियल नहीं है, रीजन देना होगा, बिना रीजन के आंसर नहीं होता बेटा, रीजन देना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बताना है आपको, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। पहले वाले में बताइए, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में आपके पास में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है,
बताइए बेटा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या होता है? उसके आगे जो नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देखो x क्यूब की टर्म में x क्यूब है, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता है? जो x क्यूब की टर्म के आगे नंबर लिखा है, क्या लिखा है? 7. तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 7. क्या इसमें कोई x स्क्वायर की टर्म दिख रही है? तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0. इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास में क्या है? 0 x स्क्वायर. तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 0. क्योंकि तभी तो वो 0 होगा. अगर प्लस वन माइनस वन कुछ भी होगा तो उसकी अपनी एक वैल्यू होगी. तो कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या आ गया? 0. कोफिशिएंट x क्यूब का क्या हो गया? 7. ऐसे अगले वाले में बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर. बेटा ऊपर क्वेश्चन दिया ना मैंने, इस एक्सप्रेशन में बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वेरी गुड. कुछ नहीं लिखा था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. और x क्यूब का क्या है? 1/2. बहुत अच्छे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो इतने कॉन्सेप्ट तक पहले एक्सरसाइज करके आनी है, और कोई डाउट हो तो मैं लेके आऊंगा. भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें देख, x स्क्वायर की टर्म कौन सी है? ये टर्म है. x स्क्वायर के साथ क्या नंबर लिखता है? कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? 1. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1. ऐसे ही x क्यूब की टर्म कौन सी है? ये टर्म x क्यूब की है, इसके साथ क्या नंबर लिखा हुआ है? 1/2 लिखा है बेटा. 1/2 है. हां, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया x क्यूब का कोफिशिएंट. समझ में आई बात? तो पहले एक्सरसाइज करके आनी है आप लोगों को, डाउट्स लेके आने हैं आप लोगों को. फटाफट करो इसको, नोट कर लो.